Hello, everybody. Hello, hello, hello. Salam, namaste, sat sri akal. Good morning, good afternoon, good evening, जहां भी हैं आप. उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे खासे होंगे. आज का शो जो है वो थोड़ा सा, मेरा भी मूड थोड़ा सा वो हुआ है. इट्स अ सैड डे फॉर ऑल ऑफ अस. अगर आपको नहीं पता चला अभी तक, तो जो तारिक फतेह थे हमारे पाकिस्तान के राइटर, He's written some books and a huge activist for human rights. You know, पाकिस्तान की नैरेटिव को बताया है, लोगों को आगे ले गए. तो ही पास्ड अवे टुडे. तारिक फतेह, आई थिंक ही वाज बैटलिंग विद अ सिकनेस काफी अरसे से. उनको कैंसर था और वो दो दफा कैंसर को बीट कर चुके थे. तीसरी दफा दोबारा से इनको हुआ और इस दफा जो है पूरी बॉडी में फैल गया था. एंड इट्स अ वेरी सैड डे. और मुझे इतना वो हो रहा है क्योंकि तारिक फतेह से मैंने कांटेक्ट जब किया था, जब मुझे उनका नंबर मिला था, तो वो मेरे पुराने ट्विटर पे था, जो कि जब बैन हो गया था तो आई वॉज अनएबल टू कॉन्टेक्ट हिम. और मैं तारिक फतेह से दो तीन ओकेजन पे मिली हूँ. पहली दफा जब मैं उनसे मिली थी तो दैट वॉज इन 2017 आई बिलीव, जब हम मोशन 103 जो है यहाँ पर इस्लामोफोबिया के ऊपर मोशन चलाना चाह रहे थे यहाँ पर लोग, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने इवेंट किया था. करीमा बलोच वॉज देयर टू एंड इट्स सैड के Both of them are no more. मैं उनके घर गई थी उस इवेंट के लिए पहले. एंड आई सॉ हिज हाउस, आई गॉट टू सी हिम एंड आई वॉज जस्ट लाइक ओ माई गॉड. यू नो, जब आप मिलते हो, सो आई वॉज जस्ट लाइक सो लाइक कहते फैन मोमेंट जो होता है, तो मेरा था उस वक्त. उनके साथ इवेंट किया मैंने, दैट वॉज अमेजिंग. देन यू नो, वी हैड आर डिफरेंसेस, चीजों में हमारे डिफरेंसेस थे, मगर ऑल टूगेदर जो उनका नेरेटिव था उसको मैं सपोर्ट करती हूँ. फिर उसके बाद लास्ट ईयर, अगर आपको याद होगा, तो मैंने ट्विटर पे भी डाला था. मैं गई थी डाउनटाउन नॉर्थ यॉर्क का एरिया है, जहां पर ये ईरान की जो मूवमेंट चल रही थी, ईरान के हिजाब के ऊपर जो चीजें चल रही थी, तो आई वेंट देयर. एंड तारिक फतेह जी वहां पे मुझे देखे. मैं देखा बूढ़ा सा एक बंदा, यू नो, लकड़ी अपनी केन लेकर वो वहां पे पहुंचे हुए थे, अकेले पहुंचे हुए थे. तो मैं वहां पर गई, मैंने उनसे ही पूछा, आप यहाँ अकेले आए? मैं कहने, हाँ मैं अकेले आई हुई हूँ, अकेले आया हूँ. एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग टू सी कि वो उस एज में भी वहां पर अकेले पहुंचे हुए थे एंड टू सपोर्ट. सो दैट्स द लास्ट टाइम दैट आई गॉट टू सी हिम. और मैं तबीयत खराब चल रही थी, आई वॉज थिंकिंग कि मैं आई वॉन्ट टू गो एंड सी हिम. मैं सोच रही थी, मैं भी गई भी थी आधा लाइक हाफ वे, और उस दिन मैं सोच रही थी शायद मैं डाउन टाउन चली जाऊँ, वहां जाकर उनसे मिल लूँ. एंड इट जस्ट जस्ट नेवर हैपेंड. तो उसका मुझे हमेशा से वो गिल्ट रहेगा. You know, I could have gone and I should have gone to see him and I didn't. So, मगर उनकी जो contribution है इस दुनिया में, मुझे अभी नगेंद्र पूछ रहा था कि उनको कौन replace करेगा. तो मैंने नगेंद्र से ही कहा कि उनको कोई replace नहीं कर सकता है. There can only be one तारिक फतेह. There will only be one तारिक फतेह who did what he did. और जिस जमाने से वो करते आ रहे हैं, जब से वो बोलते आ रहे हैं, like he took so many risks to his life, to his family. ये सारी बातें करनी, उस जमाने में तो कोई भी नहीं बोलता था. अब तो फिर भी लोग खुला बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया है एंड ऑल दिस स्टफ. ही हैड नो सोशल मीडिया, बट ही स्टूड हिज ग्राउंड. एंड आई थिंक हिज लेगेसी विल लिव ऑन फॉर एवर. क्या उनको कोई रिप्लेस तो नहीं करेगा, मगर उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जितनी बातें थी, वो जितना फैला चुके हैं लोगों के अंदर, वो चीजें डाल चुके हैं, वो निकाल नहीं सकते आप. पीपल आर गोइंग टू स्प्रेड दैट अवेयरनेस, दैट्स वन गुड थिंग. मैं इसी वजह से हमेशा से ये कहती हूँ कि 4 दिन हम यहाँ पर हैं, हमने मर जाना है, मगर मरने के बाद आपको लोग कैसे जानेंगे, आपको लोग कैसे याद करेंगे. नाउ डोंट फॉरगेट कि हमारे मोमिन तो आज बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनकी तो लॉजिक ही अलग होती है ना मोमिनों की. क्योंकि मोमिनों को ये लगता है कि काफिर ही मरते हैं, सिर्फ काफिरों को ही कैंसर होता है, काफिरों को ही हार्ट अटैक होते हैं, इनको तो होते ही नहीं है. उनकी तो लॉजिक ही होती है, देखो ना, अल्लाह मियाँ ने सजा दी तुमको, तो भैया अल्लाह मियाँ फिर क्या दूसरों को भी सजा दे, राइट? बट द थिंग इज कि आप जब मर जाओगे, अगर मैं जिस दिन मर जाऊंगी, तो एटलीस्ट मैं, मेरी फॉलोइंग या मेरे जो फैंस होंगे, वो एटलीस्ट ये कहेंगे कि भाई इस बंदी ने कुछ अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस करके पैदा करके, चाहे वो 0.001% ही क्यों ना हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ एटलीस्ट कंट्रीब्यूट किया अपनी लाइफ में. बिकॉज माई पर्पज, देयर इज ऑलवेज हैज टू बी अ पर्पज इन लाइफ. तो एटलीस्ट मेरा ये पर्पज है, और तारिक फतेह का भी यही पर्पज था कि ही क्रिएट्स अवेयरनेस. सच बोला उन्होंने, एक ऐसा मुल्क जो अच्छी तरीके से चल सकता था, सेक्युलर उस पर चल सकता था, उसको आपने बेगाड़ के रख दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया इस्लाम के नाम पे. इस्लाम के नाम पे अल्लाह ने अलग किया था ना उसको, और क्या किया उसने, राइट? सो इट्स जस्ट वट एवर यू लीव दिस वर्ल्ड विद. एंड आई एम प्रीटी श्योर, आई रियली फील लाइक माई कंडोलेंसेस गोज टू हिज फैमिली.
his daughter. He had two daughters, or Natasha is the oldest one, obviously. So अच्छा थोड़े कमेंट्स यहाँ पढ़ लेते हैं. यू नो आई जस्ट वांटेड टू गेट दिस ओवर माय हेड. इट्स जस्ट लाइक इट्स अ हैवी हैवी डे फॉर मी. सुबह सुबह मुझे न्यूज पता चली है एंड आई वाज जस्ट वेरी अपसेट. क्या बोल रहे हैं, पियानो प्ले करना आता है आपको? अभी पियानो की बात नहीं हो रही. बाजवा पाकिस्तानी आर्मी है. तारिक फतेह जी के मैंने कुछ कहना था. देखिए मैं एक चीज बताऊँ, वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, जबकि इंडिया में भी तो कुछ लोग नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, इस्लामोफोबिया ये है वो, इस मुसलमान के खिलाफ कैसे दूर, उनके उनको नैरेटिव को भी उन्होंने ध्वस्त किया. इसी वजह से कभी कभार जो पाकिस्तान के मोमिन है वो तो पसंद नहीं करते, इंडिया के मोमिन भी उनको नहीं पसंद करते थे, क्योंकि उन्होंने जो झूठ चलाया था ना कि हिंदू जो है हमारे पर तशद्दुद कर रहा है, ये कर रहा है, उन्होंने खुद ध्वस्त करने की इंडिया चैलेंज में आके उनको ध्वस्त किया था. उन्होंने लगभग देखा जाए तो ये जो इस्लामो इस्लाम के नाम पे जो प्रोपेगेंडा किया जाता था, इस्लाम के नाम पे जो नैरेटिव किया जाता था कि जो काफिर होते वो ना बुरे होते और जो हमने हम बहुत मासूम होते, उसको उन्होंने ध्वस्त किया. उन्होंने भले इस्लाम के खिलाफ नहीं कही, लेकिन जो इस्लाम के ऊपर तो वो इतनी बात नहीं करते थे जितना वो आर्मी के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर. और ये पाकिस्तान और इंडिया का जो चक्कर हुआ था, जो टू नेशन थ्योरी है, डिविजन जो हुआ था, उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करते थे. एट द एंड नाउ, क्योंकि मुझे याद है एक स्पेस में तारिक फतेह भी थे, हारिस भी वहां पर था, तो वी काइंड ऑफ कॉर्नर कर दिया था उनको, उनसे पूछा था कि लाइक डू यू बिलीव इन रिलीजन नाउ. तो ऑब्वियसली वो बंदा सबके सामने तो नहीं बोलता था, बट एट दैट टाइम ही डिड अग्री. सो आई पर्सनली थिंक के एंड में आकर, हाँ, इस्लामोफोबिया के ऊपर वो बोलते थे, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग एज इस्लामोफोबिया, वो खुद ही आ रहे हैं, वी नो दैट, राइट? तो वो उस पे बोलते थे, मगर आई थिंक मोर ऑफ हिज कंटेंट वाज टुवर्ड्स दैट एंड. इस्लाम पे वो इतना नहीं बोलते थे, तो पता नहीं मोमेंट पता नहीं क्यों पागल हुए, इतना उनके पीछे पड़े हुए, यू नो. बट वही ना, पाकिस्तान को बुरा बोल दो आप तो इन लोगों के पीछे से पिछवाड़े में आग लग जाती है, दैट्स ऑल. मौलानाओं को सही चलाते थे तो उसपे उनको आग लग जाती थी. इंडिया के भी मौलाना उनसे बहुत ज्यादा परेशान थे, पाकिस्तान कनाडा के भी जो मौलाना होते थे, जो मौलवी होते थे, इस्लामिक नेता होते थे, जो होते थे वो भी उनसे परेशान थे. क्यों? क्योंकि वो ये तो इस्लाम के नाम पे जो विक्टिम कार्ड खेला जाता था ना, वो उनको ध्वस्त करते थे. ये थी उन पे जो तारिक फतेह में जो कुवत थी. और इन्होंने ये चीज लोगों को हम देखा जाए वो तो नहीं रहे, लेकिन विरासत में जो ये चीज दी है ना, आज हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, वो उनका क्रेडिट काफी हद तक उनपे जाता है कि जो इन्होंने जो इस्लाम के नाम पे जो विक्टिम कार्ड खेला जाता है ना, को ध्वस्त करने में जो एकदम जो नैरेटिव ध्वस्त करने में पूरा जो क्रेडिट है वो तो जाता ही जाता है. उन्होंने सीधा काफी हद तक इस्लाम को थोड़ा सेकुलर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं बन पाया. और दबी आवाज में वो खुद ही खुद मानते थे, खैर मैं ये नहीं कहूंगा पूरे की वो दबी आवाज में इस्लाम को भी वो गलत मानते, पूरा देखा जाए तो. नहीं देखो, वो सारी वो बात ही तो पाकिस्तान की बात ही यही है ना, कि उसको बिगाड़ने वाला उसका इस्लाम का सबसे बड़ा हाथ है उसको, उसके अंदर, कि आप जब तक उसको सेक्युलर कंट्री नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा. सो ऑब्वियसली इट्स अ सैड डे फॉर अस, क्या कहा जाएगा, यू नो, बट हिज लेगेसी विल गो ऑन. और हम लोग यहाँ बैठे हैं उनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए. अगर लोग समझ रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि वो यू नो ही इज नो मोर, और मैं भी अगर जिस दिन मैं भी आने ही रहूंगी तो मैं वही क्रिएट करना चाह रही हूँ कि मेरा जो हमारी बातें हैं, जो एक इंसानियत की बातें हम करते हैं, कि इट डजंट मैटर आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इट डजंट मैटर, आप सब लोग जो है यू नो यू आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. ये जिसने आपको बनाया है उसने मुझे भी बनाया है, कोई और किसी और ने तो नहीं बना के भेज दिया है, राइट? सो वी शुड ऑल बी treating each other with respect. और एक दूसरे को छोड़ दो इसमें कि एक दूसरे का गले काटने रिलीजन के नाम पर, तो ये चीज को खत्म करना पड़ेगा. और यही आइडियोलॉजी हम लेके यहाँ बैठे हैं कि किसी को किसी रिलीजन, कलर, क्रीड, किसी चीज के ऊपर आप नहीं माने मारें. एवरी ह्यूमन बींग हैज अ राइट टू लिव. और हर इंसान को, डजंट मैटर आप लड़के हो, लड़की हो, या आप ट्रांसजेंडर हो, या आप कुछ भी हो, इंसान को वो राइट मिलने चाहिए. मैं तो कहती हूँ कि जानवरों को भी उनके राइट मिलने चाहिए. दैट्स एग्जैक्टली मौका तो नहीं मिल पाया और अब तो नहीं हो ही नहीं पाएगी. मैं सोच रहा कि जब वो हम भी सोचे कि ना कि वो हमारे साथ भी एक बार हमारे स्ट्रीम में भी आए, कोशिश कर रहे थे कि जैसी वो शायद ठीक है तो मैं चाह रही थी कि उनके साथ एक इंटरव्यू हो जाए, मगर वो मुझे नंबर नहीं मिल रहा था, फिर मेरी बात नहीं हुई उनसे.
It was just all over the place. And he had agreed. एक दफा मेरी बात हुई तो he had agreed to come on here. And he was like this. उन्होंने कभी ये नहीं देखा किसका चैनल बड़ा है, किसका चैनल छोटा है, कोई स्पेस बड़ी है या छोटी है, नंबर्स का कभी वो नहीं है, क्या मुझे कहीं से पैसे मिल रहे हैं. ही वॉज ऑलवेज वेलकमिंग, जो भी उनको बुलाता था वो जाते थे. ना उन्होंने एक टका हम लोगों से लिया, लाइक व्हेन वी डिड द इवेंट, वो अपना टाइम वॉलंटियर करते थे. गाइस जरा आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दें.